हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल इंग्लिश एवरीडे। एंड वी आर डूइंग पोयम ऑफ एट्थ क्लास, द आंट एंड द क्रिकेट। इससे पहले जो वीडियो आपको सेंड की गई थी उसमें आपने वर्ड मीनिंग्स किए थे, और इस जो पोयम में हम क्या करेंगे, लाइन टू लाइन इसको एक्सप्लेनेशन करेंगे इसका। तो सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट लाइन क्या है। A silly young cricket accustomed to sing through the warm sunny months of gay summer and spring. Very first I wanna say one thing कि आप जो poem read करते हैं उसमें इसकी rhyming scheme के according इसको reading लेनी होती है। जैसे कि sing and spring, ये दोनों की rhyming जो है scheme वो same है, तो रीडिंग करते टाइम हम इन दोनों लाइंस को क्या करेंगे, इकट्ठा रीड करेंगे। उसके बाद हम एक्सप्लेन करते हैं। असली, सिली क्या होता है, फुलिश। यंग, यंग का मतलब होता है युवा। क्रिकेट, झिंगुर। अकस्टम क्या था, यूज्ड, आदि। यूज्ड टू मतलब आदि था किसका, गाना गाने का। यूज्ड टू सिंग थ्रू द वार्म सनी मंथ्स ऑफ गे समर एंड स्प्रिंग। कब गाने का आदि था, कि सनी मंथ्स ऑफ गे समर, यानी कि समर के और स्प्रिंग के, यानी कि वसंत ऋतु के और ग्रीष्म ऋतु के जो खुशी के महीने होते थे उनमें वो क्या करने थे, गाना गाने का क्या था, आदि था। यानी कि वो अच्छे वक्त में क्या एंजॉय करने का आदि था। नेक्स्ट है बिगिन टू कंप्लेन व्हेन ही फाउंड दैट एट होम His cupboard was empty and winter was come. Begin to complain. Complain अब यहाँ पे क्या है, उसने शिकायत करना कब शुरू किया या उसको कब परेशानी हुई। When he found, जब उसने पाया, that at home की उसके घर में his cupboard was empty, उसका जो भंडार गृह था, उसकी जो खाना रखने की अलमीरा थी वो खाली थी, and winter was come, और सर्दियां आ चुकी थी। नेक्स्ट स्टेंजा देखिए, नोट ए क्रम टू बी फाउंड ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड। नोट ए क्रम, अब क्रम क्या होते हैं, ब्रोकन फूड, यानी कि खाने का एक टुकड़ा। टू बी फाउंड, उसे एक छोटा खाने का टुकड़ा भी नहीं मिला, कहां पर, ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड। ग्राउंड स्नो कवर्ड मींस किससे, बर्फ से ढका हुआ। अभी वहां पर बहुत बर्फबारी हो रही है, सर्दियां आ गई हैं, तो वहां पर खाना खत्म हो गया है। नोट ए फ्लावर कुड ही सी, नोट ए लीफ ऑन ए ट्री। और अब ये देखिए नेक्स्ट लाइन भी जो है, इनकी भी राइमिंग स्कीम सेम है, उसमें तो हम इकट्ठा पढ़ेंगे। ओह व्हाट विल बिकम सेज द क्रिकेट ऑफ मी। अब देखिए, नोट ए फ्लावर कुड ही सी, ना तो उसे कोई फूल वो देख सकता था या दिखाई देता था। नोट ए लीफ ऑन ए ट्री, ना कोई पेड़ पे पत्ता दिखाई देता था। ओह व्हाट विल बिकम, मेरा क्या होगा, मेरा, यहाँ पे देखिए आप सेज द क्रिकेट बाद में रीड करना। अगर आप इस लाइन को ऐसे एक्सप्लेन करेंगे, ओह व्हाट विल बिकम ऑफ मी, मेरा क्या होगा, सेज द क्रिकेट, क्रिकेट ने कहा, झिंगुर ने कहा। एट लास्ट बाय स्टार्वेशन एंड फमाइन मेड बोल्ड। अब देखिए बाद में, आखिर में, अब यहां पे करेंगे हम दो लाइनें हम इकट्ठी रीड करेंगे। एट लास्ट बाय स्टार्वेशन एंड फामाइन मेड बोल्ड, ऑल ड्रिपिंग विद वेट एंड ऑल ट्रेम्बलिंग विद कोल्ड। आखिर में क्या हुआ, स्टार्वेशन होता है भूखमरी, एंड फामाइन और भोजन की कमी के कारण वो क्या हो गया, थोड़ी सा हिम्मती बन गया, यानी कि उसे भूखमरी और जो थी भोजन की कमी ने थोड़ा बोल्ड बना दिया। ऑल ड्रिपिंग विद वेट, तो वो क्या, पानी में पूरी तरह भीगते हुए भी, यानी बरसात, बरसात होती है, ड्रिपिंग क्या होता है, ऊपर से पानी आ रहा है, बारिश में गीला होते हुए, एंड ट्रेम्बलिंग विद कोल्ड, और ठंड में कांपते हुए, ट्रेम्बलिंग क्या होता है, शिवरिंग, कांपते हुए। अवे ही सेट ऑफ टू ए माइजरली आंट To see if to keep him alive he would grant. Away he set off, मतलब दूर, he set off का मतलब होता है निकल पड़ा, to a miserly aunt, एक कंजूस चींटी की तरफ, to see if,
देखने के लिए या जानने के लिए, टू कीप हिम अलाइव, उसे जिंदा रखने के लिए, ही वुड ग्रांट, क्या वो कुछ उसे देगी या उसे कुछ मिलेगा, खुद को जिंदा रखने के लिए उसे कुछ मिलेगा। हिम शेल्टर फ्रॉम रेन एंड ए माउथ फुल ऑफ ग्रेन। हिम शेल्टर फ्रॉम रेन, अब खुद को क्या, शेल्टर का मतलब होता है शेल्टर फ्रॉम रेन, बारिश से आश्रय पाने के लिए। बाहर बारिश आ रही है तो आप क्या सोचोगे कि कहीं भी आपको आश्रय मिल जाए, थोड़ी सी कवरिंग मिल जाए कि आप कवर कर सको खुद को। एंड माउथ फुल ऑफ ग्रेन, थोड़ा सा अनाज मिल जाए। ही विश्ड ओनली टू बोरो, ही वुड रिपे इट टुमोरो, इफ नॉट ही मस्ट डाई ऑफ स्टारवेशन एंड सोरो। अब देखिए वो अब आंट को क्या कहता है कि उसे थोड़ा शेल्टर मिल जाए, थोड़ा खाना मिल जाए, और ही विश्ड ओनली टू बोरो, कि उसकी जो इंटेंशन है, उसका जो इरादा है, उसकी जो इच्छा है, वो सिर्फ थोड़ा सा उधार लेने की है। ही वुड रिपे इट टुमारो, टुमारो का मतलब होता है वो जल्दी ही इसको क्या करेगा, वापस कर देगा, इस कर्ज को जल्दी उतार देगा। इफ नॉट, अगर वो उसे नहीं मिलता, ही मस्ट डाई ऑफ स्टारवेशन, तो वो जरूर मर जाएगा भूखमरी से, एंड सोरो, और किससे, उदासी से। सेज द आंट टू द क्रिकेट, आम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड। देखिए बहुत अच्छी पोयम होती है अगर हम इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ते हैं। सेज द आंट टू द क्रिकेट, यहाँ पर जो आंट चीटी है वो क्रिकेट को क्या कह रही है, आम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड, यहाँ पे वो एक पॉलिटिक्स खेल रही है, देखिए राजनीति है यहाँ पे, कि कहने को बड़े प्यार से कह रही है कि मैं तो आपकी सेवक हूँ, मैं आपकी दोस्त हूँ। बट वी आंट्स नेवर बोरो, वी आंट्स नेवर लेंड, कि हम जो चीटियां हैं ना तो कभी उधार देती हैं ना उधार लेती हैं। देखिए वो कहने को तो बहुत पोलाइट है और कितने प्यार से उसको दोस्त बता रही है और खुद को सेवक बता रही है, पर इतने प्यार से उसको क्या कर रही है, इनकार भी कर रही है। बट टेल मी डियर क्रिकेट, पर मुझे बताओ, टेल मी डियर क्रिकेट, प्यारे झिंगूर मुझे बताओ, डिड यू ले नथिंग बाय व्हेन द विंटर वाज वार्म। देखिए यहाँ पर अगर ये आपके जो कॉमास हैं ये क्लोज हो रहे हैं कॉटेड, तो आप क्या समझोगे कि चीटी की बात यहीं तक खत्म हो गई है। बट टेल मी डियर क्रिकेट, डिड यू ले नथिंग बाय When the weather was warm, nothing, अब ये कहते हैं कि प्यारे क्रिकेट मुझे बताओ, lay nothing by का मतलब होता है कुछ भी सेव ना करना, बचा कर रखना, क्या तुमने कुछ भी बचा कर नहीं रखा, when the weather was warm, जब गर्मियां थी, जब मौसम कैसा था, ग्रीष्म ऋतु का था, तब वो तुमने कुछ इकट्ठा नहीं किया। caught the cricket, caught होता है sand, तो झिंगुर ने बोला not I, मैंने नहीं किया। My heart was so light that I sang day and night. वो कहते हैं कि मेरा दिल बड़ा खुश था। अब ये देखिए जो बात हो रही है वो एंजॉयमेंट की हो रही है, कि हम जब अपनी मस्ती में होते हैं तो हम सिर्फ एंजॉय करना पसंद करते हैं। तो my heart was so light, मेरा दिल बड़ा खुश था, that I sang day and night, मैंने दिन और रात गाया। For all nature looked gay, फॉर ऑल नेचर लुकड गे, देखिए फिर से इन्वर्टेड कॉमा जो है वो क्लोज हो रहे हैं, तो इट मीन्स यहाँ पर किसकी बात खत्म हो गई है, यहाँ पे क्रिकेट की बात खत्म हो गई है। फॉर ऑल नेचर लुकड गे, वो कहते हैं क्योंकि पूरी प्रकृति ही मुझे खुश दिखाई देती थी, तो मैंने दिन रात क्या किया, सिर्फ गाना गाया। अब देखिए आंट क्या कहती है, यू सैंग सर, यू से गो देन, सेज द आंट एंड डांस द विंटर अवे। देखिए इसकी बात जो है बिल्कुल उसने छोटे छोटे अक्षरों में कह रही है, वो यू सैंग सर, तुमने सर तुमने गाया, यू से जैसा तुमने कहा, गो देन फिर जाओ, सेज द आंट, चीटी कहती है, एंड डांस द विंटर अवे, अब जो सर्दियां हैं तुम नाचते हुए गुजारो। दिस एंडिंग, ही हैस्टिली लिफ्टेड द विकेट, दिस एंडिंग And out of the door turned the poor little cricket. अब देखिए इन दो लाइनों में thus ending,
इस प्रकार अंत करते हुए, किसका अंत करते हुए, अपनी बात का, चींटी अपनी बात खत्म करते हुए, ही हैस्टिली, हैस्टिली मतलब होते हरिडली, जल्दी से, लिफ्टेड द विकेट, लिफ्टेड मीन्स क्लोज्ड, बंद कर दिया, द विकेट उसका दरवाजा, एंड आउट ऑफ द डोर, और जो दरवाजे के बाहर खड़ा था, टर्न्ड द पुअर लिटिल क्रिकेट, तो दरवाजे के बाहर जो झिंगुर था वो पलटा, वापिस मुड़ा तो यानी कि पलटा वहां से। फॉक्स कॉल, इट्स दिस अ फेबल, लोग कहते हैं कि ये एक फेबल है। फेबल यहाँ पे मैं आपको बता दूं क्या कहानी होती है, एक नैतिक कथा होती है, ठीक है, वो जो आती थी ना हमारी नैतिक कहानियां, उसमें करेक्टर्स कैसे होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, यानी कि ये जीव जंतु जो होते हैं वो करेक्टर्स होते हैं, बट उनके थ्रू क्या होता है, एक मैसेज दिया जाता है, तो उनको क्या कहते हैं, नीति कथाएं। तो लोग कहते हैं कि ये क्या है, एक नीति कथा है, यानी नैतिक कहानी है। आई विल वॉन्ट इट ट्रू, वॉन्ट होता है मैं मानता हूँ, पर मैं इसे सच मानता हूँ, ये एक नैतिक कथा नहीं है, सच्चाई है। सम क्रिकेट्स हैव फोर लेग्स एंड सम हैव टू। अब देखिए यहाँ पर वो बहुत अच्छा मैसेज दे रहा है, और पूरी जो पोएम का कंक्लूजन है वो एक ही लाइन में दे रहा है। थोड़ा सा ध्यान रखोगे तो आपको थीम बहुत आसान लगेगा। सम क्रिकेट्स हैव फोर लेग्स एंड सम हैव टू। फोर लेग्स तक की जहां बात है वहां तो बात क्रिकेट्स की हो रही है, जीव जंतुओं की हो रही है, लेकिन जब टू की बात आ रही है वहां पे बात किस पे खत्म हो रही है, इंसानों पे खत्म हो रही है, जो दो टांगों वाले हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि जो दो टांगों वाले, कि जो इंसान होते हैं कई बार वो भी सेम ही करते हैं, कि जब उनके अच्छे दिन होते हैं तो वो क्या करते हैं, सिर्फ एंजॉय करना पसंद करते हैं, वो कोई हार्डवर्क करना पसंद नहीं करते, लेकिन जैसे ही उनके थोड़े से बुरे दिन आते हैं तो वो रोना पिटना आरंभ कर देते हैं और दूसरों से मदद मांगना शुरू कर देते हैं। तो उनसे भी यही पूछा जाना चाहिए कि आपके अच्छे दिनों में आपने क्या किया, आपने कुछ सेव किया या नहीं। अगर किसी बच्चे का पढ़ाई का समय है तो उसको पढ़ाई करनी चाहिए, और फिर जो है एग्जाम का टाइम यानी कि जो बुरा टाइम है तो वो अपना क्या करेगा, परफॉर्म करेगा। लेकिन जो बच्चे पूरा साल पढ़ते नहीं है, एंजॉय करते हैं, वो एग्जाम के टाइम वैसे ही रोते हैं जैसे यहाँ पर कौन रोया है, क्रिकेट रोया है। तो ये थी हमारी पोयम। आप जो है इस तरह की लिटरेचर के लिए जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें। थैंक यू।